नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीला। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद शीला में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए नमकीन, जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं सामग्री। फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली के दाने ले लिए, एक मुट्ठी लिया था 50 ग्राम होंगे, कड़ी पत्ता 8 से 10 ले रही थी, सेंधा नमक लिया था, ब्लैक पेपर पाउडर लिया था मैंने, हाफ लेमन लिया था मैंने, इसका जूस निकाल लिया था, एक कुछ किशमिश हैं, 4-5 बादाम, 4-5 काजू इसके टुकड़े कर लिए थे। फ्रेंड्स, मैंने 2 केले लिए थे, इनको हम छील लेंगे, छील कर इनका छिकला अलग करके दोनों केले हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें तुरंत छील कर तुरंत ही बनाना है, इनको छील के रखना नहीं, केले काले पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए वरना केले चिपक जाएंगे। हमने कद्दूकस ले लिया, सीधे तेल में केले कद्दूकस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सीधे तेल में, गर्म तेल में करिएगा वरना चिपक जाएंगे आपस में। तो हमने एक केला पूरा कद्दूकस कर दिया है और इसे हम फिर आँच मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर ही पकाएंगे। तो हम मीडियम आंच पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे केले पक चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम मूंगफली में भून लेंगे तेल में। हमें मूंगफली को ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना, हमें हल्का सा लाइट कलर लाना, नहीं ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो नमकीन में फिर मूंगफली में कड़वापन आ जाएगा, तो कड़वीपन लगने लगी, टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम हल्का ही लाइट रखेंगे। फ्रेंड्स, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दबा देना और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। हम जो काजू बादाम कट करके रखे थे उनको ऐसे तल लेंगे, छन्नी में रखेंगे, अंदर नहीं डालेंगे, नहीं ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। आपके पास अगर हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हो। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया। ऐसे भी सिर्फ मूंगफली केले से भी बहुत अच्छी नमकीन बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी इनको निकालते, अब जो कड़ी पत्ते थे वो कड़ी पत्ते हम डाल के इसी में तल लेंगे। एक सब्सक्राइब दीजिएगा जरूर और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हमारी नमकीन तैयार हो गई, अब हम इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो आइए मसाले मिक्स करते हैं। हमने सारा सामान एक में ही डाल लिया है, अब इसमें हम पहले नमक मिक्स करेंगे, सेंधा नमक है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, हमने 1/4 टीस्पून डाला है। इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे थोड़ा तीखेपन के लिए, क्योंकि हमने मिर्ची कोई नहीं यूज की है, लाल मिर्च कोई खाता है व्रत में, कोई नहीं खाता था, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है। हमने चुटकी भर काली मिर्च पाउडर डाला है और इसके बाद हमने जो लेमन, हाफ लेमन का जूस निकाल के रखा था उसको डालकर मिक्स कर देंगे। अभी हमने लेमन जूस डाल दिया है और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमारी नमकीन तैयार है। फ्रेंड्स, ये नमकीन बनाइएगा व्रत में, आप नमकीन भी खा लेंगे आपको और व्रत भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाय के साथ ये नमकीन बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, जितनी अच्छी देखने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस खाने में लगती है। हमारे तो मुँह में पानी आ रहा, आप बताइएगा आपको कैसी लगी।